बिटकॉइन की बढ़ती लोकप्रियता के साथ इसके बारे में काफी सवाल आपके मन में आते होंगे। चिंता मत करिए, आज क्रांति शेख आपके हर सवालों का जवाब लेकर आया है। आइए जानते हैं बिटकॉइन आखिर है क्या। बिटकॉइन एक वर्चुअल करेंसी है। जैसे बाकी करेंसीज होते हैं रुपी, डॉलर इत्यादि, ठीक उसी तरह बिटकॉइन भी एक डिजिटल करेंसी है। ये बाकी करेंसी से बिल्कुल अलग है क्योंकि बिटकॉइन को ना ही हम देख सकते हैं और ना ही उसे पैसे की तरह छू सकते हैं। बिटकॉइन को हम सिर्फ ऑनलाइन वॉलेट में स्टोर करके रख सकते हैं। बिटकॉइन का आविष्कार संतोषी नाकामोटो ने 2009 में किया था और तब से ही इसकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। बिटकॉइन एक डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी है, जिसका मतलब ये है कि इसे कंट्रोल करने के लिए कोई भी बैंक या अथॉरिटी या सरकार नहीं है, यानी कि कोई इसका मालिक नहीं है। बिटकॉइन का इस्तेमाल कोई भी कर सकता है, जैसे हम सब इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं और उसका भी कोई मालिक नहीं है, ठीक उसी तरह बिटकॉइन का भी है। बिटकॉइन का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? बिटकॉइन का इस्तेमाल हम ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए या किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन करने के लिए कर सकते हैं। बिटकॉइन पीयर टू पीयर नेटवर्क बेस्ड पर काम करता है, जिसका मतलब है कि लोग एक दूसरे के साथ सीधा ही बिना किसी बैंक, क्रेडिट कार्ड या किसी कंपनी के माध्यम से आसानी से ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। बिटकॉइन को ट्रांजैक्शंस में इस्तेमाल करने के लिए सबसे तेज और कुशल माना जाता है। आजकल बहुत से लोग बिटकॉइन को अपना रहे हैं, जैसे ऑनलाइन डेवलपर्स, एंटरप्रेन्योर्स, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस इत्यादि, और इसी की वजह से बिटकॉइन का इस्तेमाल पूरी दुनिया में ग्लोबल पेमेंट्स के लिए किया जा रहा है। जैसे बाकी करेंसीज का इस्तेमाल कर हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करते हैं तो बैंक्स के पेमेंट प्रोसेस को हमें फॉलो करना होता है, तभी जाकर हम पेमेंट कर पाते हैं और हमारे किए गए हर ट्रांजैक्शन का हिसाब हमारे बैंक अकाउंट में मौजूद रहता है, जिससे कि ये पता लगाया जा सकता है कि पैसे कहाँ और कितने खर्च किए गए हैं। लेकिन बिटकॉइन का तो कोई भी मालिक नहीं है, इसलिए उसके साथ किए गए ट्रांजैक्शंस एक पब्लिक लेजर मतलब खाते में रिकॉर्ड होकर रहता है, जिसे बिटकॉइन ब्लॉकचेन कहते हैं। वहां पर बिटकॉइन के साथ किए गए सभी ट्रांजैक्शंस डिटेल स्टोर होकर रहते हैं और वही ब्लॉकचेन इसका प्रमाण होता है कि ट्रांजैक्शन हुआ है या नहीं। बिटकॉइन वॉलेट क्या है? बिटकॉइन को हम सिर्फ इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर करके रख सकते हैं और इसे रखने के लिए बिटकॉइन वॉलेट की ज़रूरत होती है। बिटकॉइन वॉलेट्स बहुत से प्रकार के होते हैं, जैसे डेस्कटॉप वॉलेट, मोबाइल वॉलेट, ऑनलाइन या वेब बेस्ड वॉलेट, हार्डवेयर वॉलेट। इनमें से एक वॉलेट इस्तेमाल कर हमें एक अकाउंट बनाना पड़ता है। ये वॉलेट हमें एड्रेस के रूप में यूनिक आईडी प्रदान करती है। जैसे कि मान लीजिए आपने कहीं से बिटकॉइन कमाया है और उसको आपको अपने अकाउंट में स्टोर करना है, तो आपको वहां पर उस एड्रेस की ज़रूरत पड़ेगी और उसी के मदद से आप बिटकॉइन को अपने वॉलेट में रख सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको बिटकॉइन खरीदना है या बेचना है तो आपको बिटकॉइन वॉलेट की ज़रूरत पड़ती है और इसके बाद आप जो बिटकॉइन बेचते हैं उसके बदले आपको जितने भी पैसे मिलते हैं वो आप अपने बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफ़र बिटकॉइन वॉलेट के ज़रिए करवा सकते हैं। बिटकॉइन इस्तेमाल करने के फ़ायदे क्या हैं? यहाँ पर आपका ट्रांजैक्शन फ़ी क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से पेमेंट करने के मुकाबले बहुत ही कम होता है। बिटकॉइन को आप दुनिया में कहीं भी और कभी भी भेज सकते हैं बिना किसी परेशानी के। यहाँ पर बिटकॉइन का अकाउंट ब्लॉक नहीं होता, जैसे कभी कभी किसी कारण से बैंक हमारे क्रेडिट या डेबिट कार्ड को ब्लॉक कर देता है तो वह समस्या भी यहाँ नहीं होती। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको इससे काफ़ी फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि ऐसा रिकॉर्ड में देखा गया है कि बिटकॉइन की कीमत जो है वो बढ़ रहा है, तो आगे चलकर हो सकता है आपको इससे बहुत फ़ायदे मिले। बिटकॉइन इस्तेमाल करने के नुकसान क्या हैं? यहाँ पर बिटकॉइन को कंट्रोल करने के लिए कोई अथॉरिटी, बैंक या सरकार नहीं है, तो इसके वजह से बिटकॉइन की कीमत में काफ़ी उतार चढ़ाव भी होते हैं, तो ये थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। अगर आपका अकाउंट कभी हैक हो जाता है तो आप अपने सारे बिटकॉइंस खो देंगे और इसे वापस भी नहीं लाया जा सकता। इसमें आपकी मदद कोई नहीं कर पाएगा। इस तरह बिटकॉइन वॉलेट खर्च हो सकने वाली शेष राशि की गणना कर सकता है और नए लेन देन सत्यापित किए जा सकते हैं।
जानने के लिए कि कितने बिटकॉइंस हैं जो वास्तव में खर्च हुए गए हैं या कितने हैं जो अभी भी रिजर्व्ड हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप हमारे आने वाले वीडियोस के बारे में जानकारी चाहते हैं तो कृपया बेल आइकन पर क्लिक करिए। धन्यवाद। I'm not the only one.